वेलकम टू क्यूक आईक्यू स्टडी। आज है 9 मई 2021 और 9 मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बतलाएंगे और फिगर के साथ डिस्कशन भी हम करवाते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हर वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 9 मई या फिर 10 मई को। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि 8 मई को। देखिएगा 8 मई को हर वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस में क्या क्या होता है, इसमें इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस जानिए। कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों की याद में विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। देखिए विश्व रेड क्रॉस जो 2021 है इसका विषय है अनस्टॉपेबल। तो विश्व रेड क्रॉस मीन्स होता क्या है यही समझिएगा, कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। हर एक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहला रेड क्रॉस दिवस किस वर्ष मनाया गया था, यानी कि पहली बार रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन है 1948 में, 1954 में, 1960 में या फिर 1966 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि 1948। देखिएगा 1948 में ईस्वी में पहली बार रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इसमें देखिए है क्या कि जो पहला रेड क्रॉस डे 8 मई 1948 को मनाया गया था। यह रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेड की जयंती के रूप में मनाया गया था। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हैं, विश्व रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेड, इनकी जयंती के अवसर पर पहला बार रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि 8 मई को। देखिएगा 8 मई को हर वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यह जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इसके बारे में जानिए। देखिए जो यह जो प्रवासी पक्षियों होता है उसके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, ठीक है। और एक चीज इसमें और जानिएगा कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है एक वार्षिक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है, जो मई के दूसरे सप्ताह के अंत में यह आयोजित किया जाता है। 2021 के लिए यह 8 मई को पड़ा था। तो जो विश्व प्रवासी दिवस है इसका जो उद्देश्य है, इसका जो थीम जो है, सो 2021 के लिए यह 8 मई को मनाया गया था। और यह जो है सो मई के दूसरे सप्ताह में के अंत में यह मनाया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य है कि एक वार्षिक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय क्या है, यानी कि 2021 का थीम क्या है। ऑप्शन है एनर्जी मेक इन वर्ल्ड फ्रेंडली, दूसरा ऑप्शन है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तीसरा ऑप्शन है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ वर्ल्ड और चौथा ऑप्शन है यूनिफाइंग आवर वॉइसेस फॉर वर्ल्ड कन्वर्सेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि सिंग फ्लाई सोर लाइक अ वर्ल्ड। देखिएगा जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का जो थीम है यह है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ वर्ल्ड। इसके बारे में तो हमने आपको बताया था कि यह जो है सो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर यह प्रकाश डालता है। पहला जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 8 से 9 अप्रैल 2006 के सप्ताहांत के शुरू किया गया था, यानी कि 8 से 9 अप्रैल 2006 में यह शुरू किया गया था। और जो 2021 का जो थीम है, जो विषय है, वह है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ वर्ल्ड।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा के नए लोकायुक्त कौन बने? ऑप्शन है बी एन देशमुख, अंबादास हरिभाऊ जोशी, तीसरा ऑप्शन है एस पी कोतवाल और चौथा ऑप्शन है एम्बरसन बैरिंगटन मार्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि जो अंबादास हरिभाऊ जोशी हैं इनको हाल ही में गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो हैं सो अंबादास हरिभाऊ जोशी, इनके बारे में जानिए, इनके बारे में है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंबादास हरिभाऊ जोशी ने 7 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में ये शपथ ली है। महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन से न्यायमूर्ति जोशी को पद की शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले कुछ जानकारी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ ले सकते हैं आंसर के साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप जाइए वहाँ ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी नए साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप डेली करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के द्वारा डेली मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो देखिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। अगर आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आप ही को फ़ायदा है कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको वीडियो और क्वेश्चन खोजने में परेशानी नहीं होगी, आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और डेली मॉर्निंग में इस चैनल के द्वारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार जीता? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है द प्रेजेंट, हैप्पी बर्थडे, प्लॉट या फिर देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि हैप्पी बर्थडे। देखिए हाल ही में हैप्पी बर्थडे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु जो फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। देखिए इसमें जो है सो अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी फिल्म जो इंटरनेशनल फिल्म है इसके फेस्टिवल में हैप्पी बर्थडे नामक लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता है और फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम और निर्माण FNP मीडिया द्वारा किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री आहाना कुमरा थी। तो जानिएगा कि अनुपम खेर को हैप्पी बर्थडे फिल्म फेस्टिवल के लिए लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसको वर्ष 2021 का लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया है? ऑप्शन है स्टेन वावरिंका, दूसरा ऑप्शन है रोजर फेडरर, तीसरा ऑप्शन है राफेल नडाल और चौथा ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि राफेल नडाल। देखिए राफेल नडाल 2021 का लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। देखिए ये जो है सो राफेल नडाल, इनके बारे में जानिए कि जो नाओमी ओसाका ने, देखिए सबसे पहले जानिएगा कि जो राफेल नडाल है इनको लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। दूसरा हम आपको बतला रहे हैं कि नाओमी ओसाका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो अगर आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाए कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है तो नाओमी ओसाका, और जो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है तो राफेल नडाल को। अगला देखिए इसी में है कि जो पुरस्कार जीता गया है तो पिछले सत्र की चैंपियंस जीतने वाले जर्मन फुटबॉलर चैंपियंस वार्नर और म्यूजिनिक को टीम ऑफ द ईयर नामित किया गया था, और ब्रिटेन के जो फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने एथलेटिक एडवोकेट ऑफ द ईयर इनको पुरस्कार जीता गया है, ये पुरस्कार जीते। अगला क्वेश्चन है कि डेनियल में किस राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप का निर्यात किया जाएगा? ऑप्शन है
छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप डेनियल में भेजा जाएगा इसका। तो इसमें देखिएगा ये जो है जो उत्तराखंड राज्य में जो जैविक बाजरा है इसके जो कृषि उपज विपणन बोर्ड के सहयोग से कृषि और प्रसंस्कृत खाद उत्पादन निर्यात में विकास के प्राधिकरण के निर्माण के लिए किसानों से रागी और झिंगोरा प्राप्त और प्रसंस्कृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के किस शहर में अंधरुआ में एक टीका उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? ऑप्शन है संबलपुर, राउरकेला, भुवनेश्वर, बारीपाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि भुवनेश्वर। देखिए उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर शहर में अंधरुआ में एक टीका उत्पादन इकाई का निर्माण शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध संगीतकार बनराज भाटिया का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 2010, 2012, 2014, 2016। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि 2012। देखिए ये हैं वयोवृद्ध संगीतकार बनराज भाटिया, इनको 2012 में ये देखिए इनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, तो आप लोग डेली इस चैनल के द्वारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप देखें। और साथ ही यही कहना चाहेंगे कि अगर क्वेश्चन अगर आपको यूजफुल लगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इससे सीखें। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ले सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको वही मिलेगा और आंसर के साथ मिलेगा, ठीक है। और जो भी नए साथी हैं, अगर आप डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि मॉर्निंग में जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख सकेंगे। तो जय हिंद मेरे सभी साथियों को, फिर मिलते हैं हम आपको अगले करंट अफेयर्स के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।